हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड तगड़े फ्लैक्सिप स्मार्टफोन अंडर 25,000। अगर आपको फ्लैक्सिप स्मार्टफोन का मजा लेना है देन मेरे अकॉर्डिंग 25,000 का बजट एकदम परफेक्ट है। वैसे तो 25,000 के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट वो सभी स्मार्टफोन अच्छे नहीं होते और मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे किसी बेकार स्मार्टफोन पर इन्वेस्ट करो। ये पांचों स्मार्टफोन बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने इन पांचों स्मार्टफोन को चुना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको 25,000 के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 8GB का बड़ा रैम, 256GB का बड़ा स्टोरेज, तगड़ी गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 870 का 5G चिपसेट जिससे कि आप हाई लेवल की गेमिंग कर सको, बड़ी बैटरी और उसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर, सोनी सेंसर वाला तगड़ा कैमरा जिससे कि आप हाई लेवल की फोटोज क्लिक कर सको, 13.5G बैंड का सपोर्ट मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एन टाइम। और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो है वीवो की तरफ से वीवो T1 Pro 5G। अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि आपको गेमिंग कैमरा एकदम जबरदस्त लेवल का मिले देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। सिंगल मोनो स्टीरियो स्पीकर दिया है, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 4700mAh का बैटरी दें, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 66W का इनबॉक्स चार्जर भी है। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नोच का मिल जाएगा, किसी भी गेम को हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। ये जो स्मार्टफोन है टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियोस 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें लगा है 6.44 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है जिससे कि आपको ब्राइटनेस को लेकर आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले इसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है वो 24,000 रुपये एंड 8128 का जो प्राइस है वो 25,000 रुपये। 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। तो इफेक्टिवली इसके 6128 वाला वेरियंट आपको 22,000 में देखने को मिलेगा एंड 8128 वाला वेरियंट आपको 23,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपको 22 से 23,000 के अंदर एक बेस्ट डिस्प्ले, कैमरा एंड गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हमारी लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी 9 प्रो प्लस 5G। अगर आपको एक तगड़ा कैमरे वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, 3.5mm का हेडफोन जैक है। इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 4500mAh का बैटरी देन, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 60W का इनबॉक्स चार्जर भी है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP जिसमें के लगा सोनी MX766 का सेंसर प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि सभी स्मार्टफोन में आपको 30fps का रिकॉर्डिंग मिलता है। इसमें आपको 60fps का रिकॉर्डिंग मिलता है, मतलब कि डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करेगा। एंड इसके फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, लो लाइट एंड डे लाइट दोनों में अच्छा परफॉर्म करता है। 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले भी इसका ठीक ठाक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें लगा है मीडिया टेक डेमेंसिटी 920G का 5G चिपसेट। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा।
ये स्मार्टफोन टोटल 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको 6128 के साथ 23,000 में देखने को मिलेगा एंड 8128 के साथ 25,000 में देखने को मिलेगा। 3,000 का प्रीपेड डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे एंड 5,000 का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI का या फिर एक्सिस बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है। तो इफेक्टिवली इसका 6128 वाला वेरियंट है आपको 18,000 में देखने को मिलेगा एंड 8128 वाला जो वेरियंट है वो आपको 20,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपको 18 से 20,000 के अंदर एक बेस्ट कैमरा एंड गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो रेडमी की तरफ से रेडमी K50i 5G। अगर आपको 25,000 के करीब में एक तगड़ा गेमिंग फोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। IP53 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी रोक सकता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5,080mAh का बैटरी देने इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का डार्ट चार्जर भी है। इसमें लगा MediaTek Dimensity 8100U का 5G चिपसेट। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नॉच का मिल जाएगा, किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 270Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। ओवर डिस्प्ले परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगाया 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाला कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका आपको ठीक ठाक मिल जाता है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 6128 का जो प्राइस है वो 26,000 रुपये एंड 8256 का जो प्राइस है वो 29,000 रुपये। 5,000 तक का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है। तो फिर केवल इसके 6128 वाला वेरियंट आपको 21,000 में देखने को मिलेगा एंड 8256 वाला जो वेरियंट है वो आपको 24,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपको 20 से 25,000 के अंदर एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो जो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो S30 5G। अगर आपको प्रीमियम डिजाइन वाला एक स्लिमेस्ट एंड बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। देखने में काफी कमाल का लगता है ये स्मार्टफोन। IP52 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी रोक सकता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं, ना ही इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है। इसमें आप दो सिम लगा सकते हो और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 4,020mAh का बैटरी देन इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस बैटरी छोटा है इसलिए चार्जर भी छोटा है बट फोन को जो है वो काफ़ी इजीली जल्दी से चार्ज कर देगा। 6.5 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले दिया 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले इसमें आपको एकदम कमाल का मिलता है, इसमें लगा स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ये जो स्मार्टफोन है टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 50MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 32MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इसका कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 6128 का जो प्राइस है वो 25,000 रुपये एंड 8128 का जो प्राइस है वो 28,000 रुपये है। 1,000 से 2,000 तक का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है। तो और अगर आपको प्रीमियम डिजाइन वाला एक तगड़ा गेमिंग एंड डिस्प्ले स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और अब हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है
वो है IQ की तरफ से IQ Neo 6 5G। ये स्मार्टफोन भी एकदम बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। डुअल स्टोरेज स्पीकर है बट इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 4700 mAh का बैटरी देने को तेजी से चार्ज करने के लिए 80 W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 870 का 5G चिपसेट। इसके परफॉर्मेंस से आपको कोई भी इशू नहीं होगा, काफ़ी तगड़े लेवल का इससे आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ये जो स्मार्टफोन टोटल 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है। 6.6 inch का फुल HD+E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि आपको ब्राइटनेस को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा। स्काउट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले सेक्टर इसका बढ़िया मिलता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 MP जिसमें एक लगा है OIS का सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इसके दोनों कैमरे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 8128 का जो प्राइस है वो 30,000 रुपये, 2,000 का इंस्टेंट कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे एंड डायरेक्टली 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है। तो इफेक्टिवली इसका 8128 वाला वेरियंट आपको 25,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास ICICI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से किसी से भी जुगाड़ कर लो। तो अगर आपको 25,000 के अंदर एक बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड तगड़े फ्लैगशिप स्मार्टफोन अंडर 25,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।